दिस इज श्रुति। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे UNCTAD के बारे में। ये जो टॉपिक है UNCTAD का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखें PGT कॉमर्स के पर्पस से, और हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 2018 में भी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। मैं सारा इसमें जो भी मेन पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए UNCTAD क्या है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड मतलब व्यापार हो गया एक तरीके का आपका, ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब विकास। इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड जो एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में UNCTAD। ओके, तो अब ये है क्या बेसिकली वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जो UN जनरल असेंबली है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका एक परमानेंट पार्ट है, मतलब कोई टेम्प्रेरी पार्ट नहीं है UNCTAD। ये एक जो जनरल असेंबली है UN की, यूनाइटेड नेशंस की, उसका बहुत ही परमानेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको उस असेंबली से अलग नहीं किया जा सकता। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो UNCTAD आपका 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि कब एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब क्यों एस्टैब्लिश किया गया इस UNCTAD को। तो टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जब आपने नाम में ही देखा ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वही उसका एम है। तो टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है। तो मतलब जिनमें डेवलपमेंट का जो काम है वो अभी चल रहा है, धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में वो डेवलप में आ सकती हैं, तो वो है डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। उन कंट्रीज के अंदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करना, ये किसका काम है, UNCTAD का। आई होप ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इट हैज़ 195 मेंबर स्टेट्स। कितने स्टेट्स मेंबर हैं इसके, 195। 2018 से, मई 2018 से 195 मेंबर्स हो गए हैं। उससे पहले आई थिंक 190 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, और एम जो है इसका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है UNCTAD का, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। हेडक्वार्टर है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जेनेवा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, नेगोसिएशंस एट UNCTAD मीटिंग्स रिजल्टेड इन। अब इसमें दो तरह की कमेटीज या एग्रीमेंट्स आप बोल सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि मतलब आपको नाम दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो मैंने ईयर साथ के साथ लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को 4 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उसमें से आपको एक पॉइंट चूज करना होगा। तो फर्स्ट है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स सबको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था या पूरी तरह से कम कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट दैट रिड्यूस्ड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स अमंग पार्टिसिपेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज। और ये बना कब था, 1988 में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ UNCTAD के अंदर क्या थी, द कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज़। ये दोनों लाइन्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, कमिटीज आपको याद रखनी है। ये कब बनी थी, 1989 में, यानी इससे अगले साल। ये बनी थी 1988 में और ये बनी थी 1989 में। ये क्या था, इट इज एन इंटर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
जो कि प्रोवाइड करता है असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब हेल्प, हेल्प प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को दैट हैवली डिपेंडेंट ऑन कमोडिटी एक्सपोर्ट्स। ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज जो कि कमोडिटी के हैवी एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, उन जितनी भी वो वाली डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये एक एग्रीमेंट हो गया और ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया, कमेटी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया गवर्नमेंट का। तो दोनों ही चीज़ें UNCTAD के अंदर इंक्लूड है। तो अब यहाँ से आपके, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं PGT कॉमर्स के एग्जाम में। देखिए, सबसे पहली चीज़ UNCTAD की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। सेकेंड चीज़, कब एस्टैब्लिश हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या था। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कितने मेंबर्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। और एक और क्वेश्चन कभी बन सकता है, उसमें आपसे अलग से पूछ लिया जा सकता है कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1988 में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है और सेवन्थ क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। तो ये जो UNCTAD का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब इतने से पॉइंट्स में आपको 7 क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये सातों के सातों क्वेश्चंस आप लोगों को अपनी कॉपीज में, अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं, क्लियर है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।